लोकल भी खाना चाहता जी अज घर कुछ को टाइम नहीं होता दोनों मियाँ बीबी जी हैं ढोडा बनाने हाँ मतलब जॉब करते उन्हें ढोडा बनाना भी नहीं आता वैसे तो मी भी नहीं आता लेकिन साढ़े कन्नै जी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज जुड़ी दी एक्सपर्ट हाँ वो एक्सपर्ट हैं लोकल खाना मिल जाए और अच्छा साफ सुथरा मिल जाए बना हुआ मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टूरिस्ट उनको खाना नहीं पसंद करेगा यही असली कोशिश है और मैं सभी को लेडीज़ को मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और चीज़ा मिलग ऑर्गेनिक फूड मिलग जेके अस मतलब घर उगाने साड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप दी लेडीज सारे का अपने घर काम करा रही असें उंदे कोला गै लानियां चीज़ा ते उहे इत्थे बनानियां ताकि उंदा भी रोज़गार बदल ते अस भी जेके लोगें ही शैल चीज़ा खिलागन हमारे जो डोगरा क्यूजीन है उसको पॉपुलराइज करने के लिए प्रमोट करने के लिए जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो दृष्टि की जो ग्रुप्स से जुड़ी हुई हैं वो लेडीज़ ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और यहाँ पर अपना डोगरा कुजीन्स चाहे आप देख रहे हैं यहाँ पर खीर बनाया है अपना जो मक्की की रोटी सरसों का साग जो बड़ा पॉपुलर है यहाँ का और भी बहुत सारे क्यूजींस हैं जिस पर ये बनाएंगी जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादातर इनकी जो इनिशिएटिव जो इनका ये है कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ पर पिकनिक स्पॉट पे आना चाहते हैं या पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और अपने साथ खाने की जो चीज़ होती है वो झंझट नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि उनको कुछ फूड का हैम्पर फॉर्म में मिला जाए तो और उनके लिए ये बेसिकली ये कर रही हैं और ये टिफ़िन फॉर्म में उनको टूरिस्ट को देंगी जैसे राफ्टर्स आते हैं राफ्टर आता है तो वो अपना टिफ़िन कोई भी या कुछ खाने की चीज़ नहीं ला सकता तो इवेंचुअली क्या करता है वो यही जो यहाँ पर चिप्स और जूस पीकर तो यहाँ से निकल जाता है तो ये दो तरफा रहेगा एक अभियान रहेगा कि यहाँ की लेडीज़ यहाँ का क्यूजीन जो डोगरा क्यूजीन है उसको भी पॉपुलराइज करेंगी और उन टूरिस्ट को भी फैसिलिटेट करेंगी खाना खाने के लिए तो उसके अलावा जो यहाँ पर शिवखोड़ी रास्ते में जो के जो श्रद्धालु जाते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे निकलते हैं तो उनको कैसे यहाँ पर लाया जाए और उनको यहाँ पर बिठा के खिलाया जाए उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं तो छोटी एक शुरुआत है लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का इनका जज्बा है लेडीज़ काम करना चाहती हैं काम की कोई कमी नहीं है टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है सिर्फ कैसे उसको टैप करना है और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनाना है वो इनकी कोशिश डोगरा हट भी पोनी तहसील में खुला है उसका कैसा रिस्पॉन्स है हाँ जो पोनी में जो अपना कोठिया में जिसको कहते हैं वो तो इनफैक्ट दो तीन साल पुराना मेरे ख्याल से ये बन खुला हुआ है और वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है इनफैक्ट बहुत अच्छा वहाँ की लेडीज़ भी इनिशिएटिव वहाँ की जो सरपंच है वो बहुत प्रोएक्टिव हैं और उनकी वजह से वो चल भी रहा है तो कटरा से जो जितना भी टूरिस्ट शिवखोड़ी की तरफ जाता है चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म को देख लीजिए या एडवेंचर टूरिज्म के लिए यहाँ पे जो राफ्टर्स आते हैं या पैराग्लाइडिंग के लिए आए किसी भी फॉर्म ऑफ टूरिज्म के लिए जब यहाँ पे लोग आते हैं आपका यहाँ पर साथ में सियाड़ बाबा है तो इनको देखने आते हैं तो उनको खाने के लिए जो यहाँ पर ये जिसे जंक फूड कहती हूँ मैं आपको पता है ये चिप्स वगैरह ये जंक फूड है अगर लोकल खाना मिल जाए और अच्छा साफ़ सुथरा मिल जाए बना हुआ मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टूरिस्ट उनको खाना नहीं पसंद करेगा यही असली कोशिश है और मैं सभी को लेडीज़ को मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा चलेगा निकिता जी क्या सोचती इसे खोलने को लेकर और क्या उम्मीदें हैं थैंक यू अंजीत जी आप यहाँ आए हमारा मनोबल बढ़ाया और डीसी मैम को भी थैंक्स करती हूँ जो यहाँ आए मैं डोगरी जी के बोलनी हूँ साड़ा मेन मकसद था कि जियाँ अस आपू अस लोग आपू गए डोगरा कल्चर ही छोड़िए अग्गे बधा रहे तो मेरा मेन मकसद ये हा कि अस डोगरी कल्चर कने जुड़ी रोचा जियाँ कि अस डोगरी कल्चर च मेन होंदा ढोडा ते सरसों दा साग ते ओ है कने घ्यूर मिलग साड़ा ये भी है कि जेड़े यात्रु इधर आंदे ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਖਾਣਾ ਅਸ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਣਾ ਅਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸ਼ਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੇ ਡੋਗਰਾ ਜੇ ਕੇ ਡਿਸ਼ਿਸ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਿਕਸ ਦਾਲ ਅੰਬਲ ਚੌਲ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਦਾਲ ਅੰਬਲ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਪੂੜੀ ਲੱਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਸ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਮਿਲਣ ਜੇਕਰ ਅਸ ਮਤਲਬ ਘਰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲਾਂ ਗੇ ਲਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਗਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਟੋਡਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਜੋੜੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਡਾ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਕੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟਿਫਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਕ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਹਿਲਾਏ ਗਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਡੋਗਰਾ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਮਹਿਲਾਏ ਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਫੂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਿਓ ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ तो डोगरा रसोई में तमाम लोग आए और यहाँ जो डोगरा व्यंजन है उनका स्वाद उठाएं। कैमरे के पीछे हैं दीपक राजपूत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।